नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से आ गई हूँ आपके जीवन को सरल, बेहतरीन और सुगम बनाने के लिए। तो आज हम एक विशेष चीज़ पर बात करेंगे। अगर आपके जीवन में आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने शत्रुओं के कारण, आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप उसके लिए क्या करें? कभी कभी तो हम ऐसा भी देखते हैं, अकारण ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। हम कभी किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, ना हम किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा करते, लेकिन फिर भी जो है शत्रु हमारे अकारण बन जाते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि पड़ोस के लोग भी हमें हमारी खुशियों को देखकर खुश नहीं होते, चिढ़ते हैं, दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। पड़ोस भी देख के खुश नहीं है हमें, रिश्तेदार भी हमें देखकर खुश नहीं है, सारे के सारे हमसे चिढ़ने में लगे रहते हैं। बस इसका नुकसान हो, इसका सत्यानाश हो, ऐसी दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है दोस्तों। और कभी कभी तो लोग बिना बात के किसी पे मुकदमे कर देते हैं, केस कर देते हैं, और लोग बेचारा परेशान हो जाते हैं, सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। तो इस चीज़ के लिए क्या निवारण है, इस चीज़ के लिए आप क्या करें कि आपके जीवन में से जो शत्रु है वह सदा सदा के लिए खत्म हो जाए? कभी कभी हम दोस्तों देखते हैं ऐसा, पड़ोस में पड़ो आज हमारी अगर जॉब लग गई, हम बहुत खुश हैं, हमने अपना नया घर बना लिया, तो पड़ोस के लोग देखकर चिढ़ते हैं, नई नई बातें करते हैं, गुस्सा निकालने के लिए, बदला लेने के लिए तरह तरह के वो प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, हमसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुछ भी कर ले, और क्योंकि सामने वाला क्या होता है, पैसे वाला होता है, उसकी उसके पास पावर होती है, और हमारे पास इतना नहीं होता, तो हम ना चाह चाह कर भी हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसका, तो इस वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आज दोस्तों आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, यकीनन अगर मेरे कहने से ये कर लो, अगर कर लोगे जीवन में कभी कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। दोस्तों एक ऐसा मंत्र मैं आज आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, यकीन मानो अगर आप इसको करोगे संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, 100% आपके जीवन में से शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या है आपको, मैं आज आपको एक मंत्र बता रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को आपको संकल्प के साथ जाप करना है। जाप कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है। जैसे आप 11 माला का संकल्प ले लीजिए, आप कितनी भी माला का संकल्प ले सकते हैं, आप 6 माला का ले, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने सक्षम और सामर्थ्य के अनुसार आप चुनाव कीजिए, आप कितनी माला का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने 11 का किया, 11 का आप संकल्प लें कि संकल्प ले लिया आपने कि मैं 11 माला का 21 दिन तक लगातार जाप करूंगा, और आप अपना नाम बोलिए, अपने गोत्र का गोत्र बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, और आप जिस परेशानी से परेशान है वो बोलिए। कोई शत्रु है, शत्रु का नाम आप लीजिए कि मैं इस अमुक व्यक्ति से परेशान हूँ। जैसे मान लीजिए आप रमेश नाम के, फॉर एग्जांपल आप रमेश नाम के व्यक्ति से परेशान है, तो आप बोलिए कि हे भगवान, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र का हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपा करके मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, मुझे मेरे शत्रुओं से निजात दिलाइए, मैं खुश रहना चाहता हूँ अपने जीवन में, कृपा करके मेरे शत्रुओं को जीवन से कम कीजिए। उसके बाद आपको 11 माला या अपनी श्रद्धा अनुसार इसका जाप करना है, सिंपल। उसके बाद आपको 21 दिन तक कंटिन्यू ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है कि आपको क्या इससे फ़र्क पड़ता है। निश्चित मानिए अगर आप ये करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क मिलेगा, जिसको भी बताया उसको फ़र्क पड़ा है। इस मंत्र को करने के दो तरीके, एक तो आप संकल्प लेकर कीजिए, दूसरा हवन के माध्यम से। तो हवन के माध्यम वाला तरीका मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, आप सिंपल ये करिए। और आप चाहे अब जब आप संकल्प लें तो डेली मंत्र पढ़ने से पहले आप अपने शत्रु का ध्यान भी कर सकते हैं कि ये मेरा शत्रु है भगवान, मुझे इस समस्या से निजात दिलाएं, मेरा बेड़ा पार करिए, मेरा उद्धार करिए। दोस्तों इतना आपको करना है और आप देखेंगे कंस की भांति आपके जीवन पे से शत्रु परास्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, अपने शत्रुओं को मारा, उसी प्रकार से आपके जीवन में कंस की भांति, जैसे कंस का परास्त हुआ था, कंस खत्म हुआ था, कंस की भांति आपके जीवन में से शत्रु खत्म हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को करें, आप मनोवांछित फल पाएं, इसको करके अपने शत्रुओं को कम करें आप अपने जीवन में से। तो मेरे को कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो को देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।